बजे के गाइस शेड्यूल ट्रेन के डिपार्चर हो वेलकम टू माई न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे हो जाए। हम लोग जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 22432 शहीद कैप्टन तुषार महाजन सुबेदारगंज एक्सप्रेस में। ये ट्रेन हफ्ते में दो दिन चलती है, संडे को और वेनेसडे को दोपहर के 3:55 पर आपको अगले दिन पहुँचा देती है। दोपहर के 12:50 पर आपको सुबेदारगंज। टोटल इसकी डिस्टेंस की बात करें 1262 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है और ये ट्रेन टोटल टाइम लेती है 20:55। अभी अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे इटावा जंक्शन पे आने वाली, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे अभी हम लोग इटावा जंक्शन पे पैसेंजर आने लगे ट्रेन के लिए। यहाँ पे अभी लखनऊ इंटरसिटी आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, वो अपने ट्रेन के बाद आएगी इंटरसिटी में और उसमें केवल 5 मिनट का अंतर है। फिर मिलते हैं सीधे ट्रेन के अराइवल पर। यहाँ पे देखिए गाइस अपनी ट्रेन आ रही है, यहाँ से देखिए एक और निकल रही है डिब्रूगढ़ राजधानी, डिब्रूगढ़ टाउन न्यू दिल्ली राजधानी जा रही है। इधर से डिब्रूगढ़ राजधानी, इधर से कानपुर के बैप ट्रेवल के संग अराइवल हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लखनऊ इंटरसिटी का अराइवल। अपनी उधमपुर
सुबेदारगंज एक्सप्रेस अपनी करीब 5 मिनट बिफोर आ गई है, जिससे आप लोग ट्रेन की पंचुअलिटी देख सकते हैं। आपको एक चीज़ बताएं दोस्तों, पिछले टाइम में अपना इटावा भी मीटर गेज की लाइनों से था, अब तो लेकिन ब्रॉड गेज हो गए। वहाँ पे देखिए स्लीपर आप लोग देख सकते हैं मीटर गेज के, ठीक है आपको दिखाएं, देख सकते हैं कि स्लीपर रखे हुए मीटर गेज के, उधर रखे सामने ब्रॉड गेज के स्लीपर। देखते हैं कब अपनी ट्रेन 5 मिनट बिफोर रुकने वाली है, 2 मिनट का हॉल्ट है, टोटल 7 मिनट अपनी ट्रेन रुकने वाली है। यहाँ पर देखिए गए हम लोग अभी इंटरसिटी को इटावा में ओवरटेक कर दे रहे हैं, आगरा पोर्ट लखनऊ इंटरसिटी को यहाँ पर इटावा में ओवरटेक कर दे रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी भी करीब 10 मिनट बिफोर इटावा आ गई थी। यहाँ पर देखिए ओवरटेक स्टार्ट हो चुका है, इंटरसिटी को ओवरटेक कर रहे हैं। कर चुके हैं, हो सकता है कि आपको इंटरसिटी एक्सप्रेस का भी ब्लॉग देखने को मिले या रिटर्न में आने से सारी सीटें इंटरसिटी से। वहाँ से अरुणाचल एक ही निकल रही है इटावा से, अरुणाचल एक ही क्रॉस कर रही है।
यहाँ पे देखिए गाइस, लाल घोड़ा से बैक सेवन के संग जयनगर नई दिल्ली स्वतंत्र सेनानी मैंने कहा था आपको दिखाते तो देखिए लाल घोड़ा के दर्शन पर जयनगर नई दिल्ली स्वतंत्र सेनानी देख सकते हैं कितना भरा हुआ है जंगल इसका स्वतंत्र सेनानी का। ये इसका स्लीपर का हाल, स्लीपर भी कितना भरा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों को अराइवल हो रहा है कानपुर सेंट्रल पर। यहाँ पर देखिए कानपुर सेंट्रल पे अराइवल, लखनऊ झांसी जाने के लिए यहाँ पर बदले। अच्छा, और प्रयागराज के लिए भी यहीं से आपको ट्रेन बदलनी पड़ेगी। यहाँ पर कौन सी ट्रेन खड़ी है बेफ सेवन के संग ट्रेन एक्सप्रेस की, नहीं ट्रेन नहीं खड़ी है, इस लोगों को खड़ा। लोग को लगता लाइन से खड़े हुए हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं 140 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद कानपुर सेंट्रल। जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा, काफ़ी बढ़िया गाड़ी है ये उधमपुर सूबेदारगंज एक्सप्रेस तब भी इसको कहा जाता है। काफ़ी बढ़िया ट्रेन है ये, हम लोगों को केवल 1.5 घंटे के अंदर इटावा से कानपुर पहुँचा दिया अपनी ट्रेन ने। ये गाड़ी सीट अवेलेबिलिटी काफ़ी बढ़िया है, साफ़ सफाई इतनी थी नहीं लेकिन पंचुअलिटी काफ़ी सही थी। लेकिन कानपुर के आउटर पर रोक दिया, आपको स्लीपर एसी सब में तो टिकट मिली जाएगा आराम से, साथ में आपको सीट जनरल में भी मिल जाएगी, आराम से बैठ कर जनरल में आए जो कोई सी अनरिजर्व खड़ी है। अभी अपनी ट्रेन का यहाँ पर कानपुर सेंटर पर 10 मिनट का स्टॉप है, उसके बाद फिर अपनी ट्रेन डिपार्ट कर जाएगी। देखते हैं कहाँ कैसी लगी आपको इस ट्रेन की जर्नी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ना भूलिए। यहाँ पे देखिए प्लेन जा रहा है ऊपर ट्रेनिंग वाला, और आपको ये और बता दें कि आपको ये जर्नी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आप लोगों ने इस ट्रेन में जर्नी करी हुई है तो ज़रूर बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस। मिलते हैं फिर, कोई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं अपनी ट्रेन जर्नी के लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ। चलिए आपको इस ट्रेन का देखते हैं डिपार्चर।
देखते हैं, डिपार्चर तुरंत हो जाता है तो तुरंत आपको डिपार्चर दिखा देंगे। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग को खड़े हुए हैं। कानपुर आता है 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन में से, एक सेंट्रल रेलवे स्टेशन। आप लिखना ना मुझे कौन कौन से 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। थैंक यू।